सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ यहाँ पर स्पीड टेस्ट करके। तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं टाइप करता हूँ fast.com। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरी करंट स्पीड आ रही है 54 Mbps, यहाँ पे 62 Mbps आप देख सकते हैं, जो अभी काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है 66 Mbps। तो दोस्तों आपको भी ये स्पीड आ सकती है, आपको इसके लिए एक सेटिंग करना होगा। वो सेटिंग कैसे करना है आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, तभी आप इस सेटिंग को कर पाओगे और आपका भी इंटरनेट स्पीड जो है इस तरीके से फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो दोस्तों उसके लिए आपको चले जाना पड़ेगा आपके सेटिंग में। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का जो ऑप्शन दिखाई देगा वहाँ पर क्लिकना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका सिम कार्ड जो भी स्लॉट में होगा सिंपल उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिफॉल्ट APN जो है सेट दिखाई देगा, तो सिंपल आपको APN को चेंज करने के लिए यहाँ पे प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको नेम में टाइप कर देना है, जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगा सेम टू सेम जो है दोस्तों टाइप करना है। यहाँ पे आपको दोस्तों टाइप कर देना है speed.bot, यहाँ पे आपको 5G लिख देना है। उसके बाद से दोस्तों APN में आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सेम टू सेम पूरा ध्यान से टाइप करना है। यहाँ पे आपको लिखना है स्पीड प्लस 5G, यहाँ पे सेम टू सेम जो है टाइप करना है। उसके बाद से प्रॉक्सी को जो है नॉट सेट, पोर्ट को भी नॉट सेट, यूजर नेम में दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, सिर्फ यहाँ पे आपको एयरटेल लिख देना है या फिर आपका जो भी सिम कार्ड है वो अपना सिम कार्ड का यहाँ पे नाम लिख देना है। दोस्तों ये APN जो है खास एयरटेल के लिए है, अगर आपका जियो का सिम कार्ड है या फिर VI का सिम कार्ड है तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना, अगर आपके फोन में वर्क किया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये APN सिर्फ एयरटेल के लिए है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड को नॉट सेट रहने देना है। सर्वर में आपको यहाँ पे टाइप कर देना है www.google.com। उसके बाद से दोस्तों MMSC को नॉट सेट, MMS प्रॉक्सी को भी नॉट सेट, MMS पोर्ट को भी नॉट सेट। दोस्तों MCC और MNC ऑलरेडी आपके में सेट होगा तो वही रहने दें। ऑथेंटिकेशन टाइप में यहाँ पर आपको PAP और CHAP का लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे APN टाइप में आपको यहाँ पे लिख लेना है डिफॉल्ट, यहाँ पे आपको कॉमा लगा के यहाँ पे लिख लेना है SUPL। उसके बाद से यहाँ पे आपको लिख लेना है XCAP। दोस्तों आपको सेम टू सेम जो है टाइप करना है, सारा चीज़ें स्मॉल में होना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों APN रोमिंग प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपको जो है क्लिक करके IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है एंड APN प्रोटोकॉल को भी आपको सेम सिलेक्ट करना है। उसके बाद से दोस्तों नीचे आएंगे यहाँ पे एक बियरर का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको क्लिक करके आपको यहाँ पे अगर अनस्पेसिफाइड है तो उसे अनटिक करके आपके फ़ोन में जितने भी बियरर दिए होंगे सभी बियरर को एक साथ जो है सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर बाई चांस आपके फ़ोन में सभी बियरर सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर सिर्फ आपको 4G को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे MVNO टाइप का एक ऑप्शन दिखेगा, तो इसको सिंपल यहाँ पे नॉन पे रहने देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे साइन वाले बटन पर क्लिक करके APN को जो है सेट कर लेना है। दोस्तों APN सेट करने के बाद यहाँ पर आपको APN का नाम शो हो जाएगा फर्स्ट में या फिर सेकंड में, तो आपको सिंपल करना है क्या, एक बार यहाँ पर क्लिक करना है, आपका जो है APN एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमारा APN जो है एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों अभी एक बार हम स्पीड टेस्ट के देख लेते हैं वापस से। तो मैं यहाँ पे फिर से क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं टाइप करता हूँ, इसी पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो मेरी करंट स्पीड आ रही है आप देख सकते हैं 47 Mbps, 66 Mbps, 70 Mbps। दोस्तों अभी जस्ट मैंने APN सेट किया और आप देख सकते हैं स्पीड जो है कम ज़्यादा होगा, लेकिन दोस्तों आपका स्पीड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर स्पीड बाय चांस आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा तो आपको एक बार फोन को रिस्टार्ट करके जरूर चेक करना है, आपका स्पीड जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।